नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर में एक लंबा सफर तय किया है। आज ऐश्वर्या लाखों दिलों की धड़कन बन गई है, लोग उनके दीवाने हैं। ऐश्वर्या राय ने एक से एक बढ़कर फिल्मों में अभिनय किया है। साल 2017 में ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में 20 साल पूरे कर लिए थे। इस मौके पर दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने ऐश्वर्या को एक खत लिखा था। इस खत में उन्होंने ऐश्वर्या को बधाई दी और उनके करियर की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उनकी काफी तारीफ भी की। इसके साथ ही उन्होंने इस खत में ऐश्वर्या को एक अच्छी माँ भी बताया। दरअसल रेखा और ऐश्वर्या के बीच एक खास रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती है और ऐश्वर्या रेखा को रेखा माँ कहकर बुलाती है। रेखा से बच्चन परिवार की दूरियां जग जाहिर है। दुनिया गवाह है कि अमिताभ बच्चन पब्लिकली रेखा को हमेशा इग्नोर करते हैं। रेखा जया बच्चन को फूटी आंख नहीं सुहाती। वहीं कई मौकों पर आमना सामना होने पर अभिषेक बच्चन रेखा फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं। सिर्फ ऐश्वर्या के ही रेखा के साथ बेहतर संबंध दिखाई देते हैं। इन्हीं संबंध के बीच और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे और बात करेंगे। रेखा ने चिट्ठी में लिखा कि तुम्हारी जैसी महिला उस नदी की तरह होती है जो बगैर किसी बनावट के आगे बढ़ने रहना चाहती है। वो अपनी मंजिल पर इस इरादे के साथ पहुंचती है कि वो अपनी पहचान खोने नहीं देगी। उन्होंने यह भी लिखा कि भले ही लोग ये भूल जाएं कि तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया, लेकिन लोग कभी यह नहीं भूल पाएंगे कि तुमने लोगों को कैसा एहसास कराया। तुम अपने आप में संपूर्ण, तुम किसी को कुछ नहीं साबित करने की जरूरत नहीं है। रेखा ने इसमें यह भी लिखा कि बेबी तुमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। इस सफर में कई रुकावटों को पार किया और फिर ऊंचाइयों तक पहुंची। तुमने अभी तक सभी रोल बेहतरीन तरीके से निभाए हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा आराध्या की माँ का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आता है। तुम्हारे लिए बेइंतहा खुशी की दुआ करती हूँ। बहुत सारा प्यार, जीती रही रेखा माँ। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।